संदेश जो जा रहा है वो तो बड़ा सीधा है कि हनुमान जी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इसको हम लोग करने पड़ रहे हैं। और आज की तारीख में बच्चों को हम लोग हर तरह देखते हैं, हमारे बच्चे हों आपके बच्चे हों, सबके अलग अलग तरीके के रुझान है, पढ़ाई का प्रेशर है, स्पोर्ट्स का है, सब में बच्चे काफ़ी अपना मनोरंजन भी पाते हैं। लेकिन इसके बीच में हमारा जो सनातन व्यवस्था है हनुमान जी के विषय में जो बच्चों के अंदर जागरूकता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि इस माध्यम से वो जागरूकता काफ़ी बढ़ेगी और बच्चों के बीच में रुचि आएगी इस विषय में और पढ़ने का। हनुमान जी के जीवन से हम लोग को सीखने को कितना कुछ मिलता है। एक ऐसा बच्चे बाल स्वरूप में हनुमान जी उछल के सीधे सूरज को खाने चले गए थे, तो वो हनुमान जी की महत्वाकांक्षा है, उससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। एक लक्ष्य उनको रामचंद्र जी ने दिया, उस लक्ष्य की दिशा में बढ़ते उन्होंने सूर्य भगवान से भी बोला कि देखिए हम जा रहे हैं, 24 घंटे में लौट रहे हैं, सुबह होने तक आप डूबिएगा मत वरना आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को अदम्य साहस मिलता है। इसके अलावा बच्चों के बीच में एक आस्था बढ़ने से मुझे ऐसा लगता है सनातन व्यवस्था बहुत मजबूत होती है।